जमात दुवम मजमून उर्दू सफा नंबर 3 कहानी बेवकूफ बुढ़िया। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ भी। सारा गांव उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। एक दिन अजीबोगरीब मुर्गी उस बुढ़िया के हाथ आई। मुर्गी क्या थी, सोने का खजाना था। उसने जो पहला अंडा दिया उसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा ना था, बल्कि सोने का था। बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई। बुढ़िया ने अंडा सुनार को दिखाया। सुनार भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर ढेर सारे रुपये देकर उसने अंडा खरीद लिया। उसके बाद ये रोज का मामूल हो गया। मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया उसे बेचकर ढेरों रुपये ले आती। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया के जी में ख्याल आया, मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो ना हो इसके पेट में बहुत सारे अंडे भरे हैं। बुढ़िया ये सोचकर झुंझलाई कि कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती। अगर ऐसा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। उसने सोचा क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, कौन रोज रोज इंतजार करे। बस फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट छाक कर डाला। मगर ये क्या, वहाँ तो अंडों का नामो निशान भी ना था। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। अब तक उसको हर दिन सोने का एक अंडा मिल जाता था, अब वो भी जाता रहा। बुढ़िया अपनी बेवकूफी पर बहुत रोई और पछताई। इस तरह उसने मुर्गी भी खोई और सोने के अंडे भी। शुक्रिया।